ये लो। अगर इनके पैरों में स्प्रिंग है तो हमारे पेट में भी लड्डू है। एक लड़का, एक लड़की, एक बोलता बंदर, एक छोटा लड़का, एक पहलवान लड़का और दो एक जैसे लड़के हमारी बस्ती में घुस आए और अपने साथ बर्बादी लाए। हाँ, बर्बादी? जी नहीं, हम तो बस यहाँ। सुनो कबीले वालों, मेरे जुड़वा ज्योतिषी कभी भी गलत संदेश नहीं सुनाते। उन्होंने संदेश दिया कि इनके पैरों के निशान सूखी नदी के किनारे देखे गए। इन बाहर के लोगों ने ही आकर हमारी नदी को गंदा किया, हमारी जमीन सुखा दी, हमारे मासूम जानवर बीमार कर दिए। इनसे तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं। अटारी की कतारी। जुड़वा लड़के मेरे काम आएंगे। छोड़ दो ढोलू भोलू को। कटारी उसने सिर्फ ढोलू भोलू को ही क्यों पकड़ा है? याद है, वो कुछ जुड़वा ज्योतिषियों के बारे में कह रहा था। शायद ढोलू भोलू को भी वही बनाना चाहता है। फिर शायद एक रास्ता है हटारी के जादुई शक्ति का तोड़ जानने का। वो क्या? वो जुड़वा हटारी को अपने भविष्य बताने की योग्यता से मदद करते हैं। अगर किसी तरह हम उन्हीं से पूछें तो शायद वो ही हमें बता पाए कि हटारी की जादुई शक्ति का तोड़ क्या है। आ जाओ, आ जाओ। अच्छा लग रहा है। हटारी की कटारी, बताओ हटारी की जादुई शक्ति कैसे तोड़ सकते हैं? कोका बाला। कोका बाला क्या? कोका बाला की बांसुरी। बांसुरी से क्या होगा? कोका बाला की बांसुरी से क्या होगा? बांसुरी की धुन। बांसुरी की धुन सुन के हटारी के दिमाग में जादुई शक्तियाँ टूट जाएंगी। क्या तुम बता सकती हो कोका बाला कहाँ मिलेगा? जब कोका बाला खुद चाहता है अपने ढूंढने वाले को संकट या इशारे से रास्ता बताता है। यहाँ वापस आकर पछताओगे। लड्डू खाओ और कूद जाओ।
हटारी की कटारी। हटारी की कटारी। हटारी की कटारी। शुक्रिया भीम हमें हटारी से मुक्ति दिलाने के लिए। वाह ये तो बहुत ही यादगार है। आहा कितने सुंदर है। शुक्रिया महाराज। वहाँ रहकर सच में हम सब ने देखा कि प्रकृति कितनी सुंदर और कितनी दयालु है। खाना पीना रहना ये सब हमें प्रकृति से ही मिलता है। बदले में हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए, नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है बच्चों कि तुमने ये सब अपनी आँखों से देखा जाना और समझा। ध्यान भटका तो हूँ, तुम लड्डू ले लेना। जैसे ही इनकी नजर हटे हम लड्डू पर टूट पड़ेंगे। चुटकी मौसी देखो आसमान में कितनी सुंदर पतंग उड़ रही है। पतंग कहाँ है पतंग? वहाँ उन पेड़ों के पीछे छुप गई। देखना अभी बाहर आएगी। छोड़ो दूर हटो ये मेरा है। जब बच्चों के पास कोई काम नहीं होता तो उन्हें मस्ती सूझती है। ओहो, आज किस्मत में लड्डू नहीं सिर्फ काम है। इतना बड़ा कालिया इतनी छोटी झाड़ियों के पीछे कैसे छुपे? पर झाड़ियाँ काँप रही हैं।
मैं डरा नहीं, मैं तो उन भेड़ियों को भगाने के लिए कोई हथियार ढूंढ रहा था।